पिच पर यानी पक्की पर लात धरना पड़ता है, जबकि कादो में बुलना पड़ता था। अब घर से निकलते हैं तो जूता भी नहीं, पैदल भी पीच पर पक्की पर, अब इससे बढ़िया कौन काम। पहले तो क्राइम लालू जी के सरकार में लोग जो क्रिमिनल थे वो थाना होके गुजरते थे, अभी कहीं नजर नहीं आता, हम लोग रात में चलते हैं। अभी तो उतना उपलब्धि है कि हम लोग चलते फिरते हैं, अंधेरे जो था वह दूर हो गया बिजली के। अभी हम आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के पुरेनी प्रखंड के औराई पंचायत में हैं, और औराई पंचायत के माँ काली मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हैं ये प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मंदिर खास करके इस इलाके में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस जगह पर हम आए हुए हैं और बहुत लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि इस चुनावी समर में उन लोगों का क्या मिजाज है, क्या सोच रहे हैं, किनको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेश्वर मेहतर है। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे जिस क्षेत्र में आप पूछें, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, सारे जगह विकास हुआ है। तो आपके क्षेत्र में क्राइम का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, जो पहले था अब नहीं होता है। पहले तो क्राइम लालू जी के सरकार में लोग जो क्रिमिनल थे वो थाना होके गुजरते थे, अभी कहीं नजर नहीं आता, हम लोग रात में चलते हैं, कोई डर भय नहीं है। तो आपके क्षेत्र में अभी किनको वोट दीजिएगा? हम लोग तो नरेंद्र राव को देंगे, और 6-7 पंचवर्षी से वो आ रहे हैं, और जब तक वो रहेंगे तो हमारे विधानसभा में वही नेतृत्व करेंगे, वही हमारे विधायक होंगे, और ख़ास करके बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका तो कहना ही अजीब है, वो तो भगवान के रूप हैं, अंबेडकर के दूसरा रूप हैं नीतीश कुमार। उन्होंने जो विकास किया है आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ, नीतीश कुमार का तो पूजा होना चाहिए बिहार में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? कपिल देव शर्मा। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड का क्या हाल है? रोड यहाँ तो पहले कुछ नहीं था, आज से 15-20 साल पहले कुछ नहीं, अभी तो उतना उपलब्धि है कि हम लोग चलते फिरते हैं, अंधेरे जो था वह दूर हो गया बिजली के मदद से, और यहाँ का जो सरकार है वह गरीब मसीहा कहा जाता है। आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल है? हाँ, हमारे गाँव में है, वहाँ पर डॉक्टर आते हैं? हाँ। तो स्वास्थ्य संबंधित आपका भी कोई समस्या नहीं है? नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव राम है। आपके क्षेत्र में कितना विकास? बहुत काम हुआ, जब घर से निकलते हैं तो पीच पर यानी पक्की पर लात धरना पड़ता है, जबकि कादो में बुलना पड़ता था, अब घर से निकलते हैं तो जूता भी नहीं, पैदल भी पीच पर पक्की पर, अब इससे बढ़िया कौन काम। घर घर रोड पुल पुलिया स्कूल कॉलेज हाई स्कूल अस्पताल कहीं दिक्कत नहीं है, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे सबको हर सुविधा ठीक, नरेंद्र यादव नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के रीजिंग में हम लोग नरेंद्र यादव को यानी सही सलामत से वोट करेंगे, यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं है। जो भी दूसरे क्षेत्र से आकर के आलमनगर विधानसभा में खड़ा होगा तो दांत खोदने के लिए उसे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र यादव ने काम किया, कुदाल पड़ा, जब मेहनत किया हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ तो कुदाले पड़ा, तो वोट मजदूरी किसको मिलना चाहिए? नरेंद्र यादव को मिलना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र जिंदाबाद। हाँ, हमारे साथ और भी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सदन गोस्वामी। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? अच्छा से अच्छा विकास हुआ है, उसमें कोई दूरा बड़ी बात नहीं है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी आगे? नीतीश कुमार का बनेगा, नरेंद्र यादव का बनेगा। लालू यादव को क्यों नहीं वोट दीजिएगा? जो विकास ही नहीं किया उसका 15 साल पहले देख लिया है ना, जो मजदूरी करेगा उसको मजदूरी मिलेगा,